दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। उत्तर भारत में ठंड की आमद हो गई है। राजधानी दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। बीते दो दिन में दिल्ली की सुबह इस सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। बता दें आज अधिकतम तापमान 27 न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में दिन में आसमान साफ रहने के आसार है। उधर पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही है। आपको बताते चले कि सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई हो और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर भारत में रात में सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में अभी मौसम शुष्क रहेगा और अगले तीन दिनों तक तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। इसी बीच राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में जल्द ही शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। आपको बताते चले कि दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर, पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है, जिसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के और 24 घंटे के अंदर कमजोर होने की संभावना है। वहीं आज दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। वहीं कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, उत्तरी तमिलनाडु, पांडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा समेत कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाएं। वहीं आपको बता दें 24 घंटे के दौरान पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। असम में सुबह के समय छिटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना। वहीं 25 नवंबर तक मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा छाया रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के पिछले कई दिनों में शुष्क मौसम बना हुआ है और अगले कुछ दिन तक मौसम के मिजाज में परिवर्तन आने की संभावना भी कम है। वहीं दिसंबर की शुरुआत तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। अभी तक उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फ या हिमपात ज्यादा हुआ है। भोपाल के मौसम विभाग की माने तो आज सामान्य रहेगा मौसम। 24 नवंबर से हवा का उत्तर दिशा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से बर्फीली हवा के कारण यहां पर ठंडक बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में 24 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दे और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लास्ट में हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।